अपनी नोट मेकिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स को किस तरीके से अपने पर्सनलाइज नोट्स में ब्रेक किया जाए टुडे वी लर्न कि जिस तरीके से हम लोग आर्टिकल को ब्रेक करके अपने नोट्स में कन्वर्ट करेंगे उसी तरीके के आंसर्स को हमें मेंस में यूज करना है तो एस्पिरेंट्स आई वेलकम टुडेज लेक्चर तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो आज का आर्टिकल एक बार फिर से एडिटोरियल सेक्शन से हम लोग उठाएंगे इकोनॉमी इसका कोर थीम रहेगा लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जो ऑथर है उसको जानना काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे ऑथर इज आर बी बर्मन इज फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई बी यहाँ पे एक चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आरबीआई का एक गवर्नर है और डेप्यूटी गवर्नर कितने हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर आर आर इन आरबीआई ये आप सर्च करके

और पेमेंट सिस्टम की हिस्ट्री ही मेंशन की गई है इसके बाद यहाँ पे सेबी मेंशन करा गया है और सेबी का एक सेटलमेंट का प्रोसेस है टी प्लस वन सेटलमेंट इसको हमने आगे नोट्स में कवर करा है दिस एंटायर सेक्शन टॉक्स अबाउट एनपीसीआई एनपीसीआई को भी हम लोग अपने नोट्स में कवर करेंगे एनपीसीआई को बनाने में 10 लीड बैंक्स का काफी का बड़ा रोल रहा है आप यह चीज कवर करिए मैंने

अपने नोट्स में कवर करें अगर साथ में कोई बॉडी भी मेंशन है तो उस बॉडी को इन डेफ में हम लोग स्टडी करेंगे बहुत लोगों को तो नहीं पता ये चीज आप नोट्स मेंशन करिएट डिजिटल पेमेंट इज अ पब्लिक गुड अब पब्लिक गुड है तो उसका मतलब क्या है पब्लिक गुड जैसे कि करेंसी नोट एग्जाम्पल है अब पब्लिक गुड है तो यहाँ पे रिस्पॉसिबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट की और आरबीआई की इसको फुल सपोर्ट दे ये चीज हमने आगे नोट्स में कवर भी करी है इसके बाद NPCI और NPCI के एक्सटेंडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे थोड़े-थोड़े मेंशन करे गए सारे प्रोडक्ट्स हमको देखने अपने नोट्स में इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक MDR यहाँ पे कवर कराया बजट 2021 में, में मेंशन करा गया था कि MDR को जीरो कर देंगे तो क्या ये हार्श स्टेप लेना जरूरी है कि नहीं एमडीआर को हम लोग अपने में कवर करेंगे और फिर यहाँ पे ये आर्टिकल पूरा कर दिया गया ज्यादा कुछ यहाँ पे है तो कंक्लूड करेंगे अच्छे से आपको गाइड करेगा की कि आपको किस तरीके से अपने के को करना है कम शब्दों में ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी आपको डायरेक्ट नोट्स बनाने हैं तो आर्टिकल को जब हम ब्रेक करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेड

सेल्फ नोट्स बनाने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जब आप अपने आंसर्स खुद ड्राफ्ट करते हैं क्योंकि मेंस में में वर्ड लिमिट डिफाइन है कम शब्दों में आपको अपनी पूरी बात कहना किस तरीके से सीखना है वो चीज ऑल ऑफर सडन नहीं समझ आएगी अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेंस में आंसर लिखना है तो कम शब्दों में आप किस तरीके से लिखेंगे उसी को मिमिक करते हुए उसी चीज को दिमाग में रखते हुए आप अपने नोट्स को क्यूरेट करेंगे आज के आर्टिकल की अगर हम बात करें पेमेंट सिस्टम ओवरऑल थीम था स्टार्टिंग में ही दो डिफरेंट हेड्स का मेंशन करा गया था आरबीआई के अंदर कुछ डेवलपमेंट रही हैं पेमेंट सिस्टम के तहत और एनपीसीआई के अंदर कुछ रही हैं एज आरबीआई इज कंसर्न टी और आर ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है पेमेंट सिस्टम के आरबीआई के अंदर आरटीजीएस की अगर बात करें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए आर यूज होता है अमाउंट मिनिमम दो लाख रहना चाहिए आर कराने के लिए क्या आरटीजीएस हमेशा से था आंसर है नहीं दो में इसको लॉन्च करा गया एनपीसीआई के अंदर देखें तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेलागेनाइज है। का मतलब इसके अंदर छोटी बहुत सब करते है। रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एनपीसीआई का पार्ट है एनपीसीआई किसने बनाया कौन सी दो पेरेंट बॉडी एनपीसीआई की मिल के एन पी सी आई लॉन्च किया था जैसे की हमें देखा था आर लॉन्च हुआ दो में एन सी लॉन्च हुआ दो हजार नौ में और इसको लॉन्च करने के पीछे टेन लीड बैंक का दस लीड बैंक है जिनका काफी अहम योगदान रहा वो दस बैंक कौन से है ये आप जरूर सर्च करिए अपने नोट में करिए आर्टिकल के मिडिल में सेबी का जिक्र भी करा गया है सेबी को हम किसी और

जो प्रोसीड आती हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी एक्सचेंज करी जाती है पेमेंट सिस्टम के तहत इसीलिए अगर टी प्लस वन सेटलमेंट जो कि सेबी बी कर रहा है वो इनेबल होता है तो, तो इंटरनेशनल कैपिटल इंडिया में आएगा बहुत ज्यादा कैपिटल आएगा तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट काफी ज्यादा ब्रॉडन और अप हो जाएगा तो आप इसी तरीके से स्ट्रक्चरल फ्लो चार्ट के हिसाब से ही आप अपने आंसर्स आंसर्स को मेंशन मेंशन करें करें इस इस तरीके तरीके से से अगर आप अगर रिवीजन भी करना चाहते हैं लेटर ऑन तो आपके रिवीजन के लिए भी काफी ज्यादा आसान रहते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में लिखे हुए नोट्स और आंसर्स यहाँ पे टी प्लस वन एग्जैक्टली क्या बताता है टी प्लस वन मतलब ट्रांजेक्शन प्लस वन जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसके आगे एक दिन ट्रांजेक्शन वाले दिन के बाद का एक दिन अगर आज ट्रांजेक्शन हुई है तो कल सेटलमेंट हो जाएगा सेटलमेंट का मतलब यहाँ सेलर है यहाँ बायर है सेलर ने अपना काम किया सेलर ने बेचा बायर ने खरीदा तो ये ट्रांजेक्शन हुआ अब सेटलमेंट कब होगा टी प्लस मतलब आज अगर ट्रांजेक्शन हुआ है प्लस यानी कल सेटलमेंट हो जाएगा सेलर ने क्योंकि कुछ बेचा है तो उसकी प्रोसीड आएंगी प्रोसीड उसके अकाउंट में आ जाएंगी रिफ्लेक्ट करेंगी और बायर ने क्योंकि शेयर खरीदे हैं वो उसके डिमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे ट्रांजेक्शन के अगले दिन सेटलमेंट हो जाएगा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आर्टिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन करा गया है डिजिटल पेमेंट्स को पब्लिक गुड्स का दर्जा दिया गया है एंड इट इज आल्सो बीन सेड दैट डिजिटल पेमेंट्स आर पब्लिक गुड्स लाइक द वे करेंसी नोट्स आर जिस तरीके से करेंसी नोट्स पब्लिक गुड्स उसी तरीके से डिजिटल पेमेंट्स भी पब्लिक गुड्स की कैटेगरी के अंदर आता है अब डिजिटल पेमेंट्स पब्लिक गुड इसीलिए गवर्नमेंट का और आरबीआई का इसको फुल सपोर्ट चाहिए एनसीआर में पब्लिक और प्राइवेट गुड्स के ऊपर काफी अच्छा डिफरेंसिएशन दिया गया है पब्लिक गुड के ऊपर जहां तक मुझे याद है दो इमार्टेंट पॉइंट थे एक्सक्लूडिबिलिटी अब इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है इन रिलेशन टू पब्लिक गुड्स ये आप मुझे बताइए उसके बाद एक और आती थी फ्री राइडर प्रॉब्लम वो क्या पब्लिक गुड के अंदर आती है या प्राइवेट गुड के अंदर ये भी आप स्टडी करिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट इससे रिलेटेड रिसेंट जाए यानी इसको ज़ीरो बना दिया जाए क्या सारे ट्रांजेक्शन्स पे नहीं जो भी ट्रांजेक्शन रुपए और भीम यू के तहत होंगी उन ट्रांजेक्शन पे एम यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को जीरो कर दिया जाएगा अब ये कॉस्ट जीरो हो गई है तो इसका मतलब क्या है ये कॉस्ट एक्रू नहीं हो रही बिल्कुल हो रही है अब जब कॉस्ट एक्रू हो रही है तो इसको करेगा अब इस पूरे का आउटकम क्या है क्योंकि एम डी आर चार्जेस वेव ऑफ करने की बात चल रही है इसका डायरेक्ट पुश डिजिटल पेमेंट्स की तरफ यानी लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स को अपनाएंगे दोस्तों आरबीआई ये कॉस्ट एबजॉर्ब क्यों करेगा आप सोचिए अब आरबीआई इसलिए एब्सॉर्ब करेगा क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स ट्रांजेक्शन डिजिटली होंगी तो जो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट्स को हैंडल करने के लिए जो आरबीआई रिसोर्सेज लगाता वो अब कम लगाने पड़ेंगे अब क्योंकि ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कम हो रही है उन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए आर बी आई के रिसोर्सेज भी कम लगेंगे इसलिए ये सजेस्ट किया गया है कि जो एम डी आर चार्जेज वेव ऑफ होंगे रुपए और भीम यू पी आई पे वो कॉस्ट आरबीआई अपनी किटी से बेयर करेगा आगे देखते हैं एम को डिटेल में मर्चेंट डिस्काउंट रेट की डेफिनेशन समझने से अच्छा है अगर एम का पूरा प्रोसेस फ्लो समझे डेफिनेशन में बहुत सारे की आते हैं उसको डायरेक्टली रीड करेंगे वो क्लैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी चलिए प्रोसेस समझते हैं आपको अपनी गाड़ी में तेल भरवाना है और आप ये ट्रांजेक्शन करेंगे अपने कार्ड से आप पेट्रोल पंप गए वहां पे आपने तेल भरवाया और जो पेमेंट है वो आपने अपने कार्ड से किया सपोज सो रूपए का बिल आया सौ रूपए का तेल आपने अपनी गाड़ी में भरवाया आप अपने जब कार्ड पेट्रोल पंप पे देंगे पेमेंट के लिए तो वहाँ पे जो भैया होंगे वो एक मशीन निकालेंगे मशीन निकालने के बाद आपके कार्ड को स्वाइप करेंगे और सौ रूपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे अब जब आपके अकाउंट से तो हंड्रेड रुपीज डिडक्ट हो गए हैं बट जो पेट्रोल पंप का अकाउंट है उसके पास सिर्फ नाइन रुपीज जाएंगे एक रुपया जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अब ये जो एक रुपया कटा है इसको बोलते हैं एमडीआर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब क्योंकि ये एक अब ये एक रुपया क्यों कटा अब पेट्रोल पंप के पास ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए जो बैंक पेमेंट नेटवर्क्स और पीओएस मशीन प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज ये तीन एंटिटी हैं जिनकी वजह से ये पेट्रोल पंप ओनर डिजिटली आपसे पेमेंट ले पा रहा है तो जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जो हुआ है इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये डिजिटली ट्रांजेक्शन पॉसिबल हुआ है ये एक जो एम डी आर के नाम पे काटा गया है ये एक रुपया उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यह पेट्रोल पंप ओनर प्रोवाइड कराएगा अब जो ये एक रुपया काटा है एम के नाम पे यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये तीन एंटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा पहली एंटिटी होगी वो बैंक जिसने एक कार्ड इशू किया था जो आपने स्वाइप करा दूसरी एंटिटी वो है पेमेंट नेटवर्क आपके पास जो भी कार्ड होता है या तो उस पे मास्टर कार्ड वीजा या रुपए ये मेंशन होता है तो जिस पेमेंट नेटवर्क का ये कार्ड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें भी एक हिस्सा एम का जाएगा तीसरा बैंक पी ओ एस मशीन वो हैंड हेल्ड डिवाइस होता है जब आप पेट्रोल पंप वाले भैया के पास जाते हैं और अपना कार्ड देते हैं, वो उस कार्ड को उस मशीन में स्वाइप करते हैं या उसके ऊपर वेव करते हैं क्योंकि अब कॉन्टेक्ट लेस भी आ चुका है उसको बोलते हैं POS एस मशीन तो ये तीन मिला के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल करते हैं इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे, पे ठीक है तो अब ये जो एक रुपया कटा वो था एम डी आर एम डी आर की फुलचेंट डिस्काउंट रेट अब रेट है तो हमेशा एमडीआर बीसेंटेज ऑफ ओवरऑल ट्रांजेक्शन कभी भी ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं रहेगा हमेशा ये रेट डिफाइंड होगा और जो भी ओवरऑल ट्रांजेक्शन है जैसे यहाँ पे सौ रुपए था तो एक रूपया एमडीआर कटा यानी एक परसेंट एम डी आर चार्जेस है ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था एक्चुअल में ये फिगर डिफरेंट हो सकती है तो so यहाँ पे आई थिंक एमडीआर का क्लियर हुआ इस स्लाइड में ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल नहीं है ये कुछ एनपीसीआई के मोस्ट रिसेंट इनिशियेटिव या फिर प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने आपके लिए बन लिस्ट बना दी है आप इसे एज इट इज अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए अच्छा यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप एक चीज जरूर स्टडी करें ऑल अगर आपने वो आर्टिकल हिंदू का पढ़ा है तो आपको आइडिया लग जाएगा एनपीसीआई क्या एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है को लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में बन के आ सकता है एग्जाम चलिए ये सारे को एक बार रीड आउट करते हैं पहला है रुपए कॉन्टेक्ट लेस आपने देखा हो आजकल आपके कार्ड्स पे इस तरीके का साइन बन के आता है ये वो कार्ड्स हैं जिस पे पॉस मशीन के ऊपर से आपसे वेव कर देंगे और आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो बेसिकली कॉन्टेक्ट लेस आजकल कोविड के टाइम्स में काफी ज्यादा यूज हो रहा है तो रुपए ने भी ये फीचर इनेबल कर दिया है अपने पेमेंट सिस्टम्स में सेकंड है यूपीआई well हम यूपीआई हमने देखा था इस यूपीआई को इनेबल कराने के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम है भीम थ्री लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ये फॉलो करता है उसके बाद भारत बिल पे जितने भी तरीके के नॉर्मल हाउस होल्ड में बिल्स का पेमेंट किया जाता है जैसे की मीटर गैस इलेक्ट्रिसिटी उन सबका

क्यू आर वो क्यू आर कोड होता है इस तरीके से इसको आप अपने फोन से स्कैन करें जिस भी सर्विस के लिए क्यू आर कोड बनाया गया है सर्विस आप एक्सेस कर पाएंगे इट इज अमन क्यू आर कोड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ये कुछ इनिशिएटिव्स एनपीसीआई के हमने देखे आई वु रीट्रेट दिस यहाँ पे इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स को आप किस डेफ में जाके कवर करेंगे अपने नोट के लिए यहाँ पे ये चीज मैं समझा रहा हूँ अब जैसे लास्ट वाली स्लाइड में ये सारे इनिशिएटिव्स मेंशन नहीं थे उस आर्टिकल में ये आपको खुद रिसर्च करना है खुद स्टडी करना है अपने नोट्स में इन सब चीजों को एग्जॉस्टिव तरीके से कवर करना है अब जैसे इस वाली स्लाइड में हम जो पढ़ेंगे कमिटीज का सेक्शन ऑल दो कमिटीज वर्ड मेंशन नहीं था उस आर्टिकल में बट ये हमारी हैबिट होनी चाहिए जब भी हम इस तरीके के की बात करते हैं स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमिटीज यूपीएससी ने पास्ट में में पूछा है अपने में. और एनी गिवन डे इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने आंसर में कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज्यादा मार्क्स हमें फैच करेंगे चलिए स्लाइड को देखते हैं अब हम क्योंकि डिजिटल पेमेंट या पेमेंट सिस्टम स्टडी कर रहे हैं इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कमिटीज भी है जो आए दिन में बनी रहती है पहली हैतन पी चेयरमैन रतन पी वटल ही है अब रतन पी कमेटी किस लिए स्थापित हुई थी वो देखिए हम यहाँ से कुछ एक अपने दिमाग के लिए ट्रिक बना सकते हैं जैसे रतन पी वी के दोनों तरफ बराबर बराबर वाले वर्ड्स हैं तो मतलब पी को एक तरीके से लेफ्ट साइड और राइट साइड में बैलेंस करा हुआ है झूला होता है बीच में के होते हैं जो बोर्ड होता है वो अर्थ के बना रहता है मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट रहती हैं इस तरह पी को यहाँ पे रतन और वठल ने बैलेंस आउट कर दिया इस तरीके से आप याद रख सकते हैं तो ये कमेटी भी यही चीज बोलती है एमडीआर को लेके एमडीआर को लेके एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए जैसे आप लास्ट बजट की हमने बात करी थी ये चाह रहे थे कि एमडीआर को जीरो ही कर दें तो एमडीआर जीरो भी नहीं होना चाहिए उसको एक बैलेंस्ड

नहीं है तो कोई भी इस डोमेन में वेंचर आउट करेगा दूसरी साइड एम शुड बी लो एनफ सो दैट मर्चेंट्स आर ऑल्सो टू अडोप्ट डिजिटल मतलब मर्चेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए और कम से कम इतना तो जरूर हो मर्चेंट्स भी डिजिटल को कर सके वहां से उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे निकल के आए ये थी रतन पी कमेटी सेकंड है नंदन नीलकनी कमेटी ये एक वेल नोन नेम है इस डोमेन में ये बोलते हैं की एम डी आर को पूरा का पूरा मार्केट डिटरमाइंड होना चाहिए और मार्केट खुद डिटरमाइंड करे की कि एमडीआर किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा या चेंज होगा गवर्नमेंट शुड नॉट डिटरमाइन दिस नंदन नीलकनी कमेटी ये सजेस्ट करती है ये रिकमेंड करती है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए एमडीआर को फिक्स बढ़ाना या कम करने में इट शुड बी मार्केट डिटरमाइंड एज फार एज आर्टिकल इज कंसर्न उससे रिलेटेड नोट्स हम लोग कवर कर चुके हैं टू कंक्लूड दिस लेक्चर आइए कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो यूपीएससी ने पास्ट में पूछे हैं पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ए इन इंडिया शायद हमने लास्ट स्लाइड में देखा भी था जब हम सारे इनिशिएटिव्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनपीसीआई देख रहे थे पहला ऑप्शन है इंडियन बैंक एसोसिएशन ये भी हमने स्टडी किया था इनिशियल स्लाइड में नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट्रीड लिमिटेड एनपीसीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको अगर याद हो ए को लिंक कौन करता है

इट इज बेसिकली ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज विच आर स्टोर्ड डिजिटली ये इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपोजिटरी है नेशनल सिक्योरिटीज की इसमें इतना ही आप स्टडी करिए अगर ये न्यूज में फ्रीक्वेंटली बना रहा तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द ए इन द बैंक आंसर इज नेशनल फाइनेंशियल स्वच विच इजिशिएटिव ऑफ एन पी ऑप्शन सी इज द करेट आंसर

ऑप्शन इट इज अ इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीनस एंड डेबिट कार्ड ये भी नहीं है बचा ऑप्शन सी इट इज द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड्स जो भी इंफॉर्मेशन हमने MDR से रिलेटेड कलेक्ट करी थी उसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन सी कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर क्योंकि बैंक उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है सो so दैट वो अपने क्लाइंट से डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट कर सके यही एम डी आर है तो दोस्तों हमने ये तो एमसीक्यूज देखे टॉपिक समझा इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स को किस तरीके से ब्रेक करते हैं वीडियो थोड़ा लंबा है मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस अभी न्यू है अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में उनके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो लोग ऑलरेडी एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको शायद ये उत्तर अट्रैक्टिव बट फिर भी आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज एज एग्जॉस्टिव पॉसिबल ताकि हर तरीके के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इस वीडियो लेक्चर से बेनिफिट जरूर निकले तो यहाँ पे हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं आने वाले समय में और भी इसी तरीके के वीडियो लेक्चर हम लोग आप तक लेके आते रहेंगे टिल देन वी विश यू ऑल द बेस्ट है गुड डे